हे गाइस, कैंडिड फोटोग्राफी की अगर बात करें तो क्वेश्चन एक माइंड में जरूर आता है कि क्या मैं उसको परफेक्टली कर पाऊंगा, क्या कैंडिड के जो मेन कैंडिड का मीनिंग है कि मेरे कपल्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, क्या उनके बेहतरीन शॉट्स क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको दो ऐसे टिप इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जिससे आप कोई भी कैंडिड मोमेंट अपना मिस नहीं करेंगे। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy। सो गाइज, बात कर रहे थे कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें मैंने बहुत अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। वेडिंग के अंदर शूट कर रहे थे तो मेरे को दो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। यस, दो ही बात अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान अगर रख लेंगे तो आपके कोई भी जो अच्छे मोमेंट है वो कैप्चर नहीं होंगे। और कब कौन से टाइम पर आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उसमें अगर आपने दो बात अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रख ली तो गाइज मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ कि आपका कोई भी एक बहुत अच्छा मोमेंट, अगर आप किसी की स्माइल है या विदाई के टाइम के अगर फोटोज हैं या डांस है, स्पेशली जो डांस के टाइम पर बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, वो आपकी मिस नहीं होगी। सो दो बातें कौन कौन सी हैं, वो पहली बात हम डिस्कस करने वाले हैं जो है कि नॉर्मली कैंडिड फोटोग्राफर फ्लैश अवॉइड करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर मेहंदी है, पीठी है, फिर फेरे हैं, संगीत संध्या है और रिसेप्शन है, इस तरह से चार या पांच फंक्शंस हमारे रेगुलरली होते हैं। बट अगर आप पीठी, मेहंदी, जो आपके नॉर्मल फंक्शंस हैं उसके अंदर अगर आप फ्लैश नहीं यूज करते तो एक बार चल जाएगा। बट अगर आप संगीत संध्या शूट कर रहे हैं या रिसेप्शन शूट कर रहे हैं, तब कई बार क्या होता है, संगीत संध्या के टाइम पे माहौल ऐसा होता है कि पूरा लो लाइट एनवायरनमेंट आपको मिलता है, क्योंकि स्टेज के ऊपर ही लाइट होती है, रेस्ट ऑफ जितना ग्राउंड होता है बिल्कुल डार्क होता है या बहुत कम लाइट होती है या फिर कलरफुल लाइट होती है। तब सबसे बड़ा चैलेंज आता है फोटोग्राफर के लिए कि जहां पर लाइट है वहां तो प्रॉपरली शूट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर ISO बहुत ज्यादा हायर करके आपको शूट करना होता है और फिर भी बैकग्राउंड आपको डार्क मिलता है तो सब्जेक्ट जरूरत से ज्यादा ब्राइट हो जाता है। कई बार फिर आप एक्सपोजर मैनेज करते हैं, बहुत सारी दिक्कत उसमें आके खड़ी हो जाती है। बट सिंपल सा अगर आप एक काम करें कि एक फ्लैश को अगर आप ऐड करते हैं और वो भी TTL मोड पर, अगर आपको TTL मोड नहीं अगर आइडिया है तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, सिर्फ आप TTL मोड उसके ऊपर ऐड कर लें और उसका एक्सपोजर जीरो या डिपेंड ऑन सिचुएशन एक्सपोजर माइनस करके अगर आप रखें तो जहां पर बैकग्राउंड डार्क है या जहां पर लाइट नहीं है, फोकस करते ही वो फ्लैश फिलर फ्लैश फायर होगी और आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन देगी। अगर आपने ये चीज ट्राई नहीं करी है आज तक तो इसको एक बार अप्लाई जरूर कीजिएगा, आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे कि जिस सिचुएशन में लाइट नहीं है, चाहे विदाई का टाइम होता है वहां पर भी लाइट कम होती है, और संगीत संध्या में मैंने स्पेशली देखा है कि जो लो लाइट सिचुएशन एरिया होता है जहां पब्लिक बैठी है, फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, या अगर आप उनके सामने कैमरा लेकर उनके फोटोज क्लिक करते हैं फ्लैश लगा के, तो वो नेचुरल मोमेंट्स कभी कैप्चर नहीं होते। तो आपको वहां पर अगर आप फ्लैश फायर करके अगर 70-200 या 85 mm पे अगर आप कैप्चर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि फ्रंट जो आपका है एकदम क्लियर मिल जाता है। हम कितनी भी अच्छी शेड एंड लाइट फोटोग्राफी कर लें बट हर बार क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हम एकदम क्लियर और एकदम अच्छे से दिखने चाहिए, उनका ड्रेसिंग अच्छे से दिखना चाहिए। वो कब पॉसिबल हो पाता है, जब आप उसके अंदर एक फ्लैश, यानी कि फिल फ्लैश बोल रहा हूँ, कंप्लीटली फ्लैश एक्सपोजर नहीं बोल रहा, कि आपको फिलर फ्लैश एक फायर करनी होती है उस एक्सपोजर के अकॉर्डिंग, तो आपको रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा। फिर भी अगर ज्यादा माइंड नहीं लगाना हो तो सिर्फ आप अपना जो मैनुअल एक्सपोजर आप सेट करते हैं 1.4 या 2.8 का अपर्चर के ऊपर, जो शटर स्पीड ISO डिपेंड ऑन लाइटिंग आप सेट करते हैं, सिर्फ एक फिल फ्लैश एक्सपोजर जीरो या -1 पे एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत क्लासी रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो रही अपनी फ्लैश की बात, जो आप संगीत संध्या में या रिसेप्शन टाइम पर जब डार्क एनवायरनमेंट है तब आप यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलते हैं। बट एक और बात मेरे माइंड में आई थी कि हम सोचते हैं कि बीइंग ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर कि मैं एक क्लिक करूंगा मेरे को मोमेंट बहुत परफेक्ट मिल जाएगा। ये एक दिक्कत हर एक फोटोग्राफर के साथ होती है कि हम सोचते हैं कि एक मोमेंट अगर माला पहनाने वाला है या अगर वो दूल्हे की एंट्री है जब वो एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं या फिर वो तलवार से तोरण लगा रहा है तो हमको परफेक्ट मोमेंट कैप्चर हो जाए, या फिर अगर दूल्हा दुल्हन या उसके मेन पापा मम्मी या फैमिली मेंबर्स का डांस है तब हम सोचते हैं कि हम डांस का एक एक क्लिक के अंदर परफेक्ट इमेजेस कैप्चर कर लें। बट ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह जाता है कि हमको जो परफेक्ट मोमेंट चाहिए होता है वो मे बी कई बार मिस हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस शूट कर सकते हैं कि कैमरे को सिंगल फ्रेम से
सिंगल फोटो क्लिक से आप उसको मूव करके कंटिन्यूस क्लिकिंग पे जा सकते हैं, जिसमें भी आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं कि एक स्लो है और एक फास्ट है, ठीक है। तो आपको डिपेंड ऑन सिचुएशन कि अगर डांस का शूट कर रहे हैं और आपके पास अगर आप ब्राइड और ग्रूम का डांस शूट कर रहे हैं तो आप बेझिझक होकर उसको फास्ट कंटिन्यूस क्लिक पे आप उसको मूव कर दें हाई स्पीड पे, ताकि आपको नंबर्स ऑफ इमेजेस ज्यादा मिलेगी। क्योंकि अगर आप सोचे कि हाथ का मूवमेंट आपने कैप्चर किया और फेस के सामने हाथ आया और वो लाइटिंग वाइज सब कुछ परफेक्ट था, अपना जो हाथ है वो मुंह के सामने आ गया, तो वो इमेजेस कोई काम के नहीं है। ऐसी इमेजेस के लिए आप अगर नंबर्स ऑफ कंटिन्यूस क्लिकिंग करते हैं तो आपको इसी के अंदर 5-7 इमेजेस मिलती है। तो जो फोटो आपको सेलेक्ट करना है आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। वरमाला पहनाते टाइम, ठीक है, दूल्हा दुल्हन के डांस के टाइम या उनकी एंट्री के टाइम, ऐसे टाइम पर या तोरण लगाते टाइम आपका परफेक्ट मूवमेंट कैप्चर होना चाहिए। तो अब हम वेट करके बैठना एक सही लॉजिक है, बट जब हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज है तो हम क्यों उसका यूज नहीं करें और हमारे क्लिक्स को बेस्ट, यानी कि आप चाहें तो एक सेकंड के फर्क के अंदर भी वो इमेज बहुत बेहतरीन बन सकता है। इसलिए हमेशा कंटिन्यूस क्लिकिंग आप यूज करें, क्योंकि हम भी वही यूज करते हैं और सिखाते भी वही है कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम, कि जैसे आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं वहां पर अगर वो माला पहना रहे हैं या तोरण लगाते हैं टाइम, या फिर दूल्हा दुल्हन के डांस के टाइम, ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर अगर आप कंटिन्यूस क्लिकिंग का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलेंगे। तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया थे कि जहां लो लाइट सिचुएशन है वहां फ्लैश का यूज और कंटिन्यूस क्लिकिंग, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी बेहतरीन इमेजेस कैप्चर करने में। अगर आप कैंडिड फोटोग्राफी सीख भी रहे हैं तब भी ये दो लॉजिक यूज करना, और अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तब भी ये दो पॉइंट का ध्यान रख के आप फोटोग्राफी करना, आपका एक भी मोमेंट मिस नहीं होगा। कई बार क्या होता है, एक्सपोजर परफेक्ट हो जाता है तो मोमेंट मिस हो जाता है, और कई बार मोमेंट अगर मिस हो गया तो वो मोमेंट हम कभी नहीं ला पाएंगे। अगर इमेज थोड़ा अंडर ओवर है तो आप उसको फोटोशॉप में एडिट करके ओके कर सकते हैं, बट वो स्माइल और वो मोमेंट ही अगर मिस हो गया तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसको ला पाना, क्योंकि रीटेक कभी भी अच्छा टेक नहीं बन पाता, वो नेचुरल स्माइल नहीं आ पाती। और बीइंग ए कैंडिड फोटोग्राफर आपकी ये ड्यूटी होती है कि नेचुरल मोमेंट्स आप कैप्चर करें। तो इसके लिए दो बातों का ध्यान रखें, आपकी इमेजेस के अंदर बहुत वेरिएशन आएंगे, और वीडियो देखने के बाद अगर आपने कैंडिड फोटोग्राफी करी है तो क्या क्या चेंजेस आए मेरे को जरूर बताइएगा। और डिटेल में कैंडिड फोटोग्राफी समझनी है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो देख के आप वहां से सीख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। बट ये दो बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतरीन चेंजेस आएगा कैंडिड फोटोग्राफी में। सो वंस अगेन गाइस, मैं हूं ध्रुव इंजन फ्रॉम DSLR एकेडमी। फॉलो कर सकते हैं आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, जहां से आपको वर्कशॉप और हमारे सेमिनार्स और बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।